हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नैटो के बारे में डिस्कस करेंगे। नैटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हिंदी में हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नैटो है क्या। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि या वॉशिंगटन संधि के तहत अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अवस्थित है। इस संगठन में अमेरिका तथा यूरोप के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। प्रेजेंट में इसमें कुल 29 मेंबर कंट्रीज हैं। नेटो का 29th मेंबर कंट्री मॉन्टेनिग्रो है और इसके 30वें सदस्य देश के रूप में मैसेडोनिया को शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इन सदस्य देशों के अतिरिक्त 40 अन्य गैर सदस्य सहयोगी देश भी नेटो के साथ काम करते हैं। अब हम देखते हैं नेटो की स्थापना क्यों हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। इसी क्रम में नैटो नामक राजनीतिक और सैन्य संगठन की स्थापना की गई थी। यह गठबंधन सामूहिक सुरक्षा पद्धति पर कार्य करता है। अब हम नाटो का उद्देश्य देख लेते हैं। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसके मेंबर कंट्रीज की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना और थर्ड ऑब्जेक्टिव है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं नाटो के 4 मेजर पार्ट्स क्या है। सबसे पहला है महासचिव सेक्रेटरी जनरल, सेकंड है परमाणु योजना समूह दैट इज न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप, तीसरा है सैनिक मिलिट्री दैट इज मिलिट्री कमिटी और लास्ट में है उप समिति दैट इज सबऑर्डिनेट कमिटीज। अब हम इन चारों पार्ट्स को थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल दैट इज महासचिव। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य काम समझौते की धाराओं को लागू करना होता है और नाटो का यह मुख्य प्रवक्ता भी होता है। सेकंड मेजर पार्ट है परमाणु योजना समूह दैट इज न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार होते हैं। थर्ड मेजर पार्ट है मिलिट्री कमिटी। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है। नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत ही कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और जब मिशन पूरा हो जाता है तो सेना अपने देश में दोबारा लौट जाती है। इसका लास्ट मेजर पार्ट है उप समिति दैट इज सबऑर्डिनेट कमिटी। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाला विषयों पर विचार करते हैं। इस तरह से ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से भी पीछे नहीं हटता है। तो आई होप आपको नाटो के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाएं, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।